हाँ। एक में हमारे डेकोर के आइटम्स हैं एक हाँ। में हमारे पॉट्स हैं एक में ऑर्गेनिक सामान है हाँ। खाद वर्मी कम्पोस्ट कोकोपीट सब चीजें हमारे पास कि अगर किसी को प्योरिटी की थोड़ी भी डाउट हो जैसे हाँ। लोग अपनी खेती के लिए जाते हैं मशरूम खेती के लिए हल्दी खेती के लिए हमारे 40 चालीस टन जाता है एक बार में तो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नाम है अनिश और आप देख रहे हैं डेली डूड आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज आया हुआ हूँ दक्षिण इंडिया इन पर लास्ट वीडियो जो बनाया था वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया मतलब ये होल होल सेलर हैं मैन्यूफैक्चरर हैं पॉट्स को लेके गुड़गांव में इनकी फैक्ट्री है तो वो वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन पर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ूंगा अगर आपको ऑनलाइन मंगवाना है तो वो पॉट्स भी आप मंगवा सकते हैं उन्हीं का एक एक यूनिट है कोकोपीट का तो ये देखिए ये ये पूरा जो सेटअप देख रहे हैं आप ये कोकोपीट का है और आज तक मैंने कभी कोकोपीट बनते हुए नहीं देखा था अक्सर हमने देखा होगा कि नर्सरीज़ वगैरह में जब हम जाते हैं तो इस तरह के जो ब्रिक्स होते हैं ना ये वाले तो ये आपको दिख जाते हैं और यही आप बाई करते हैं तो कैसे बनता है क्या प्राइसिंग है सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं अगर आपको ऑनलाइन बाई करना है तो आप ऑनलाइन बाई भी कर सकते हैं तो पूरा ये सेटअप है ये देखिए नारियल के खोपड़े से ले कर जो फाइबर निकलता है कोकोपिट बनता है कैसे बनता है क्या चीज़ होती है क्या प्राइसिंग है सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने इस वीडियो में तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भूलिएगा चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सर अपने बारे में बताइए अपनी कंपनी के बारे में बताइए और आज हम किस चीज़ पर बात करने वाले हैं इस चीज के बारे में बताइए मेरा नाम अमल है ये मेरी फैक्ट्री है दक्ष इंडिया ऑर्गेनिक्स हाँ। जिसमें हम नॉर्थ इंडिया में कोकोपीट की मैनुफेक्चरिंग कर रहे हैं अच्छा नॉर्थ इंडिया में बहुत ही कम रेयर लोग हैं जो नॉर्थ इंडिया में कोकोपीट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जिसमें से हम एक है आप देख सकते हैं ये पूरे एरिया में हमारी कोकोपीट बन रही है फाइबर है जो हमारा फाइबर सूख रहा है तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कोको कैसे बनती है क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं और आप पॉट्स वगैरह में भी डील करते हैं आप को कोको हम लोग कॉयर के पॉट्स भी बनाते हैं उसकी हाँ। भी हमारे पास मशीन है उसके भी आइटम्स रखे हुए हैं हमारे पास हाँ। तो मैं आपको सारी चीज आइए मैं दिखाता हूँ आइए तो सर जब कोकोपीड के बनाने के लिए जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो क्या होता है फर्स्ट प्रोसेस होता है जो नारियल इकट्ठा होकर आता है हमारे अच्छा। जैसे जो अगड़ियाँ केरला जाती हैं साउथ जाती हैं है वहाँ तो से हमारा नारियल भर के आ जाता है अच्छा नॉर्थ इंडिया में इतना नारियल इतना वॉल्यूम पर मिलना मुश्किल रहता है तो ये खाली नारियल होता है खाली नारियल होता है जो यूज नारियल होता है इसके बाद जब नारियल को हम मशीन में डालते हैं तो इसके दो भाग में डिवाइड हो जाता है ये अच्छा हाँ एक होता है कोकोपीट और एक होता है फाइबर अच्छा जैसे ये फाइबर ये फाइबर अलग अलग जगह काम आता है मल्चिंग के काम आता है ये अगर में बात करूं, तो जैसे हम गार्डन में इसको से बिछा दे तो वाटर का दो या तीन दिन में भी डाल सकते हैं अच्छा। प्लस जो दूसरा हमारा जो दो तो भाग में बांटने वाला होता है वो मशीन कौन सा है वो ये है मशीन अच्छा ये मशीन है इसमें एक बनता है ये हमारा कोकोपीट अच्छा और एक बनता है हमारा फाइबर ये जो कोको पीठ है ये प्योर कोकोपीठ है इसमें कोई मिलावट नहीं होती हाँ। आ, हर 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 मैनुफेक्चरिंग क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा तो बट मैं एक चीज हमारी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताना चाहता हूँ हाँ। कि अगर किसी को प्योरिटी की थोड़ी भी डाउट हो हाँ। जैसे लोग अपनी खेती के लिए जाते हैं मशरूम खेती के लिए हल्दी खेती के लिए हमारे 40 चालीस टन जाता है एक बार में अच्छा तो मैंने उनको ये भी बोला हुआ सर आप अपना एक लड़का भेज दो अपने सामने बनवा लो इससे ज्यादा प्योरिटी की गारंटी कोई नहीं देगा प्लस आप पूरे में घूम के दे सकते हैं अगर एक परसेंट भी आपको ऐसी कोई चीज मिलती है हाँ। कि जो मिक्सिंग हो सकती है तो ये पूरा स्टॉक फ्री है हाँ, हाँ, हाँ। ये बात आपने अच्छी बता दी तो यहाँ से नारियल को डाला डालने, को डा... डालने का काम उस साइड से होता है यस डालने का काम उस साइड से होता है यहाँ से फाइबर निकलता है और एक साइड से कोकोपीट निकलता है स्टार्ट करते हैं देखते हैं स्टार्ट करना

लूज महंगा पड़ता है ब्लॉक्स हाँ। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से सस्ता पड़ता है अगर कोई बाहर में चाहता है हाँ। तो ट्रांसपोर्टेशन को कम करने के लिए ताकि वॉल्यूम ज्यादा है उसको कंप्रेस करके छोटा बनाने के चक्कर में हाँ। इसलिए ब्रिक्स बनती हैं। अदरवाइज हाँ। अगर कोई लोकल में लेना चाहता है तो रेडी टू यूज है आप लो और डायरेक्ट गार्डनिंग में डाल दो ब्लॉक्स तो में आप पानी डालोगे वो पांच किलो की ब्रिक पच्चीस किलो फूल के बन जाएगी तो गार्डनिंग में यूज नहीं आती है

इसके बात कर लेते हैं। इनकी प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है पचास से, पचास से जो, जो पांच किलो की ब्रिक रहती है वो दो सौ ढाई सौ मार्केट में मिलती है अब वो ढाई सौ का बेच के अगर हम उसको बड़ा वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो इतना यूजफुल नहीं है इसलिए क्योंकि गार्डन में आजकल लोगों के पास बालकनी वैसे ही कम है उसमें आप अगर एक कट्टा भी रख दोगे तो फिर वो यूज का नहीं है यूज का नहीं है हाँ। तो इसलिए हमने छोटी साइज बनाई है ताकि तो अगर कोई लेना चाहे ऑनलाइन हाँ। तो क्या अवेलेबल करा बिल्कुल 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 अगर कोई भी आप मेरा नंबर लिंक में है, है। में है डिस्क्रिप्शन रहेगा आपको हाँ। आप व्हाट्सएप करिए मेरी रिक्वेस्ट है हम इतने सारे कोर्स उठा नहीं पाते हैं हाँ। तो आप नाराज मत हो आप व्हाट्सएप विद इन ट्वेंटी आवर्स आपको सारे कैटलॉग प्राइजेस एवरीथिंग मिलेगा ओके इसके अलावा हमारी प्लास्टिक के फ्लावर पॉट्स की मैन्यक्चरिंग है मेटल की मैन्युफेक्चरिंग है टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग है तो जब आप मैसेज करेंगे तो आपको सारे कैटलॉग एक साथ मिलेंगे एक

अभी हाँ। इस पे हमारा एक्सपेंशन का काम चल रहा है हाँ। एक इसमें जो कोको लाइनर्स बनते हैं वो बना बनने शुरू होने वाले हैं ओके। तो उस पे काम चल रहा है हाँ। तो ये सारी मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की है तो इसके अंदर आराम से हम पेड़ वगैरह वगैरह लगाना हैं डायरेक्ट लगा सकते हैं इको फ्रेंडली पॉट है ये हाँ। इसमें प्योर इसमें दो साल में डिकम्पोस्ट हो जाता है अपने आप ही और आपको जब दो साल में पौधा ओवरग्रो हो जाए तो इसको डायरेक्ट आप दूसरे पॉट में लगा दीजिए कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है तो ये पूरी के पूरी ब्लॉक्स बना बना के अपने yes, रख दिया ये ब्लॉक्स बना बना के रखा है हमारे एक्सपोर्ट भी होते हैं बाहर भी जाते हैं ये हमारे अच्छा हाँ ये आपने अच्छी चीज बताई तो, मल्चिंग फाइबर के लिए भी ये यूज होता है काफ़ी। तो सर फिर ये ब्रिक्स तैयार होता है यस yes, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है ये हमारी छोटी ब्रिक है जो चार सौ से 500 ग्राम की ब्रिक है हाँ। और ये हमारी साढ़े चार थाड़ से पांच किलो की ब्रिक है अच्छा इनकी प्राइसिंग बहुत 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 जेनुइन है जो मार्केट में मिल रही है उससे बहुत ज्यादा जेनुइन प्राइजेस है क्वालिटी जैसे आपने देखा की हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है प्योर है तो अगर आपको कोई को भी ऑनलाइन ऑर्डर करना है या आपको बल्क में लेना है दो टन तीन टन चार टन पांच टन तो आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा आप इस नंबर पे प्लीज व्हाट्सअप डाल दीजिए लिख के भेज दीजिए अगर आपकी शॉप है तो आपका विजिटिंग कार्ड डाल दीजिए नर्सरी है तो आपका नर्सरी का कार्ड डाल दीजिए जो भी आप काम कर रहे हैं उसका मुझे कुछ रेफरेंस दे दीजिए ताकि मैं आपको उस अकॉर्डिंग प्राइस दे सकूँ तो चलिए थैंक यू सो मच सर थैंक यू शेयर करने के लिए थैंक यू सर थैंक यू यू थैंक ओके तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको पसंद आया यहाँ तक देख लिया तो भाई एक लाइक करना बनता है लाइक कर लीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा इनका लास्ट वीडियो भी फिर से मैं बताऊंगा अगर नहीं देखा है तो उस लिंक मैंने आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में छोड़ा हुआ है तो जाके वो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर नमस्कार